आइए दोस्तों बात करते हैं आज 9 सितंबर 2020 बुधवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में आपको बताएंगे। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है, साथ ही मोदी सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर, रिया चक्रवर्ती को लेकर भी कुछ अपडेट आपको बताएंगे। देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को फटाफट से जानते हैं इस वीडियो में, बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। खबर है दोस्तों की रेल यात्रियों के लिए नया नियम बन चुका है, अब स्टेशन पर अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। इतने दिन सरकार सिर्फ आपसे गुजारिश कर रही थी कि अगर कोरोना को रोकना है तो आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, राइट। लेकिन अब रेलवे स्टेशनों पर मास्क न लगाना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने शक्ति बढ़ा दी है। किसी भी मुसाफिर के बिना मास्क रेलवे स्टेशन पर पाए जाने पर सीधा 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। कई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे स्टेशन पर यह पहल शुरू कर दी गई है, तो आप भी जरूर रेल यात्रा करते हैं तो स्टेशन पर जाने के दौरान सावधान रहिएगा। और एक खबर है दोस्तों की 1,00,000 स्ट्रीट वेंडर्स से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे, बोले तो बातचीत करेंगे। प्रत्येक के खाते में 10,000 रुपए भी जमा होंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों एमपी राज्य के 1,00,000 से भी ज्यादा पथ विक्रेताओं यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। इस दौरान उनके खातों में 10,000 रुपए की राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंकों से पथ विक्रेताओं को ऋण दिलाया जा रहा है। इसमें मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल है, बोले तो आगे है सबसे। तो ये प्लानिंग है सरकार की आज। और एक बड़ी खबर है कि इन दो बैंकों ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया, लोन सस्ता कर दिया, अब हर महीने आपकी ईएमआई से पैसे बचेंगे। हम बात करें यहाँ पर दो बैंक जिसमें एक तो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक, है ना। इन दोनों बैंकों ने अपनी एमसीएलआर रेट में कटौती की है और इसके बाद इन बैंकों के द्वारा लिया गया होम लोन, ऑटो लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन वगैरह जो कुछ भी है वो सस्ता हो चुका है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी एमसीएलआर रेट के ऊपर 0.10% की कटौती की है। उसके बाद लोन रेट जो पहले 7.40% थी वो घटकर 7.30% रह चुकी है। ऑलरेडी मंडे से ये नई रेट लागू हो चुकी है, जबकि 10 सितंबर से इंडियन ओवरसीज बैंक भी अपनी लोन रेटों में कटौती करने जा रहा 0.10% की। और इसका मतलब है कि लोन रेट अब 7.45 ही रह जाएगी जो कि पहले 7.55 थी, ठीक है ना। 10 सितंबर से ये लोन रेट लागू हो जाएगी। चलिए अगली खबर है कि पबजी चाहता है कि वापस भारत में वो चालू हो जाए, खुल जाए, बैन हट जाए। इसके लिए पबजी कंपनी एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। चीनी निवेशक टेंसेंट गेम्स को दक्षिण कोरियाई कंपनी पबजी जो है वो बाहर करने जा रही है, क्योंकि दोस्तों हालांकि पबजी को बनाने वाली जो मेन कंपनी है ना वो दक्षिण कोरिया की है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की एक कंपनी का जिसका नाम है टेंसेंट गेम्स करके, है ना। तो अब दक्षिण कोरियाई कंपनी जो है ना वो टेंसेंट को इस पबजी से बाहर निकालने जा रही है ताकि ये बैन हुए देशों में वापस चलाया जा सके। अब ये डिपेंड करता है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि क्या चाइनीज इन्वेस्टमेंट हटने के बाद भी पबजी को चलाया जाएगा भारत में या नहीं। देखते हैं भारत सरकार की तरफ से जो कोई भी बड़ा फैसला लिया जाएगा, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। वैसे आपकी क्या राय है कि क्या पबजी भारत में वापस चालू होना चाहिए या नहीं, ये सत्वा नो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे हूं दोस्तों कि ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। 14 दिन उनको न्याय की हिरासत में भेजा गया। रिया ने जमानत की अर्जी भी लगाई थी जो कोर्ट में खारिज हो चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये लाइव अपडेट निकल कर आ रहे हैं। रिया को बेल नहीं मिली है, अब 14 दिन की जेल में ही रहेगी रिया। रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने की बात कबूली थी और नारकोटिक्स ब्यूरो की पूछताछ के दौरान यही कबूलनामा गिरफ्तारी की मुख्य वजह बना। दरअसल दोस्तों एनसीबी ने 3 दिन में रिया से करीब 20 घंटे पूछताछ की थी। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जाना वही ड्रग्स मामले में रिया से पूछताछ करा था। यहाँ तक कि मंडे को तो एक्ट्रेस के भाई सोविक को भी सामने बिठाया गया था और ऐसे में रिया ने कुछ उल्टे सीधे बयान दिए, उसी की वजह बनी कि रिया को गिरफ्तार होना पड़ा। रिया इस मामले में गिरफ्तार होने वाली 10वीं आरोपी है, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत केस में 9 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है। 10वें नंबर पर रिया का नंबर रहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किए जाने पर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। तो ये तो सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर अपडेट चल रहे हैं। अच्छा हाँ, अगली खबरें अपन जाने, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत केस के मामले की पूरी कंप्लीट केस स्टडी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से पहले की और उनके बाद तक की और अभी तक में भी जो लाइव अपडेट चल रहे हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से ऑडियो बनाया। वहीं दोस्तों अब अपन बात करें अगली खबर में, तो आपको बताऊंगा सुशांत सिंह राजपूत के अलावा भी कंगना रनौत भी आजकल कुछ कंट्रोवर्सी में पड़ी हुई है, या यूं कहें तो उनको कंट्रोवर्सी में डाला गया। अब देखिए जरा, महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले कि कंगना रनौत पर लगे ड्रग्स लेने के आरोप की भी जांच होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जब ये बयान दिया ना तो उनको कंगना रनौत जी ने भी तगड़ा जवाब दिया, ड्रग्स से लिंक निकाला तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगी मुंबई, क्योंकि कंगना के ऊपर ये फालतू आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि अब सरकार जांच करेगी वगैरह वगैरह। तो कंगना ने भी दिल खोल कर बोल दिया कि अगर मैं वाकई में अपराधी पाई जाती हूँ, इस मामले में दोषी पाई जाती हूँ, तो मैं मुंबई हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। ये खुला चैलेंज दिया है महाराष्ट्र सरकार को। देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत और कंगना को लेकर और क्या अपडेट्स आते हैं, मैं आपको दिन की खबरें भी बता दूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर ही। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है, सेबी ने दी नए नियम को मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार नियामक सेबी जो है ना उसने नेशन स्टॉक एक्सचेंज को निवेशकों के ईकेवाईसी आधार प्रमाणीकरण की मंजूरी दे दी है, यानी कि ईकेवाईसी का ऑथेंटिकेशन जो है ना वो अब एनएसई भी कर सकेगा।
सेबी से इसको परमिशन मिल चुकी है। तो ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं। और एक खबर देखिए जरा कि किसानों के लिए अच्छी खबर है। महिंद्रा कंपनी ने इन तीन राज्यों में लॉन्च की आलू बोने की नई मशीन। जी हां, खास करके किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन महिंद्रा कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया। और महिंद्रा कंपनी ने जो आलू बोने की मशीन लॉन्च की है, इसकी शुरुआत देश में फिलहाल इन राज्यों से होने जा रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने मंगलवार को कहा दोस्तों कि उसने कुछ राज्यों में आलू बोने के लिए एक नई मशीन पेश की। एमएनएम के बयान के मुताबिक कंपनी के कृषि उपकरण केंद्र एफईसी ने देश में नए आलू बोने की मशीन पेश की है। इसमें कहा गया दोस्तों कि प्लांटिंग मास्टर पोटेटो प्लस नामक इस मशीनरी को कंपनी के यूरोप स्थित पार्टनर डेवुल्फ के साथ मिलकर तैयार किया गया, जो कि भारतीय खेती की स्थितियों के मुताबिक है। इससे आलू की ज्यादा पैदावार और हाई क्वालिटी पैदावार भी ली जा सकती है। आलू बोने के लिए अच्छा काम भी कर दिए। उम्मीद है दोस्तों धीरे धीरे पूरे देश में यह मशीन वितरित हो जाएगी। फिलहाल अगली खबर आप देख सकते हैं। कल ही जो चीन की तरफ से कुछ झूठे आरोप हो रहे थे, उनका पर्दाफाश हो चुका। देखिए जरा खबर कि भारत ने नहीं बल्कि चीनी सैनिकों ने की थी फायरिंग, और दुनिया से झूठ बोलना चीन, ये कहना हमारी इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख के पूर्वी सीमा पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इस बीच चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों ने गोलीबारी की थी, जिसके भारतीय सेना ने जवाब दिया। जबकि कल से चाइना क्या झूठ बोल रहा है कि पहले भारतीय सैनिकों ने गोलीबारी की जबकि चीन वालों ने की थी खुद, है ना। चलिए अगली खबर है, नौकरी पैसा वाले लोग ध्यान दें, आपके पीएफ के पैसे पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आज ईपीएफओ की अहम बैठक भी होने जा रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की बुधवार को एक अहम बैठक होने वाली है, और इस बैठक में ब्याज दर तय करने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल ईपीएफ पर वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज तय किया गया था, लेकिन अभी तक इसे नोटिफाई नहीं किया गया, और ऐसे में ब्याज तय करने में हुई देरी के मुद्दे को उठाया जा सकता है, और उम्मीद की जा रही है कि ब्याज दर पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा देखते हैं आज ईपीएफओ के ऊपर क्या फैसला लिया जाता है। ईपीएफओ की बैठक में जो कोई भी बदलाव आएंगे, मैं आपको कंप्लीट हाइलाइट्स के अपडेट न्यूज चैनल के ऊपर जरूर बता दूं। फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं अगली खबर। देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 5G नेटवर्क पर भारत समेत ये दो देश मिलकर काम कर रहे हैं। 3 साल पहले ही सहमति बनी थी। दरअसल भारत, इसराइल और अमेरिका, इन्होंने विकास वाले क्षेत्रों और अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में अपनी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया। एक शीर्ष अधिकारी ने बात की जानकारी दी कि 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क पर ये तीनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा दोस्तों कि तीनों देश एक पारदर्शी, खुले, विश्वसनीय और सुरक्षित 5G संचार नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। सामुदायिक नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इसराइल यात्रा के दौरान ही ये सहमति बनी थी। तो हम सभी को उम्मीद है दोस्तों कि बहुत जल्द हमें भी भारत में 5G इंटरनेट देखने को मिलेगा, और बेहद खतरनाक स्पीड होगी उसकी, देखते हैं आखिर कब तक आता है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने खोला खजाना, 9,500 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हो चुका। जी हां, दरअसल बिहार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें कुल 61 एजेंटों पर मुहर लगाई गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई सारे बड़े फैसले लिए गए। इसके तहत आरा 0 माइल में नया मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारामूला आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों के परिजनों को नौकरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, और भी कई सारे फैसले लिए गए, कुछ की डिटेल्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि अगर आप चावल के शौकीन है ना, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि डायबिटीज का रिस्क कई गुना तक बढ़ सकता है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की ये रिसर्च आपको चौंका सकती है। हम अक्सर दोस्तों हमारे खाने में चावल का इस्तेमाल तो करते ही है, राइट, लेकिन दोस्तों जरा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ये बातें 21 देशों के लोगों पर करीब 10 साल तक की गई रिसर्च के बाद सामने आई है। इनमें से सबसे ज्यादा खतरे में दक्षिण एशिया के लोग हैं, जिसमें हमारा भारत भी आता है। दरअसल दोस्तों, आपकी थाली का सफेद चावल खाने के टेस्ट के साथ साथ आपके ब्लड शुगर के लेवल को भी बढ़ा रहा। लंबे समय तक सफेद और चमकदार चावल खाने से डायबिटीज का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 21 कंट्रीज में करीब 10 साल तक ये रिसर्च की गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप केवल चावल का ही इस्तेमाल ज्यादा ना करें अपने खाने में, और अगर खाएं तो बराबर संतुलित मात्रा में ही खाएं, और बिल्कुल सफेद चावल के बजाय जो भूरे रंग के चावल आते हैं जिन्हें ब्राउन राइस भी कहा जाता है, उनको खाएं तो वो नुकसान आपके लिए बेहद कम होता है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया। 1 महीने तक किसी से भी वो मुलाकात नहीं करेंगे। दरअसल राजस्थान के सीएम ने कोरोना वायरस की वजह से अगले 1 महीने तक किसी भी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। इस दौरान सीएम सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपलब्ध होंगे। अच्छा, राजस्थान की जब बात हो रही है तो इसको लेकर और एक फैसला ये है कि राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को तगड़ा झटका दिया। अब हर महीने इतने दिनों का वेतन कटेगा। जी हां, दरअसल राजस्थान के वित्त विभाग ने कैबिनेट के निर्णय पर मुहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती का आदेश जारी कर दिया। अब हर महीने कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जाएगी। सितंबर महीने की सैलरी से वेतन कटौती शुरू हो जाएगी। अखिल भारतीय सेवा के सभी नियमित और प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रति महीने 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों, नियमित या प्रशिक्षु का भी 2 दिन का वेतन कटेगा। राज्य सेवा के भी जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, नियमित या प्रशिक्षु हैं, उनका भी 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। राज्य के अन्य समस्त अधिकारी कार्मिक का दिन का वेतन काटा जाएगा। और भी किन किन कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होगा तो इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था डाउन चल रही है, राज्य सरकारों के पास भी पैसे नहीं है और कई सरकारी स्कीमों को भी संतुलित रूप से चलाया जा सके, इसलिए ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से फैसला लिया गया। और देखा जाए तो वाकई में अच्छा फैसला है ना, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए किसी कर्मचारी को 30,000 सैलरी मिलती है, एवरेज मानिए, ठीक है ना। अब अगर 2 दिन की सैलरी काटी जाएगी तो पर डे 1,000 रुपए के हिसाब से 2,000 उसकी सैलरी कटेगी, उनको महीने का वेतन 28,000 रुपए मिलेगा।
जाएगा, ठीक है ना। तो एक 30,000 कमाने वाला आदमी अगर 28,000 भी कमाएगा तो भी वो भूखा नहीं मरने वाला। वहीं उस 2,000 का फायदा अगर किसी गरीब को सरकारी योजना के तहत मिलेगा तो ये तो अच्छी बात है ना। वैसे आपकी क्या राय इस पर कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। अगली खबर देख सकते हैं कि अब बिना सिम कार्ड के भी फोन चलेगा, बातचीत होगी, फोन भी लगेगा, इंटरनेट भी चलेगा। वो कैसे? तो दरअसल देखिए LG कॉर्प के दक्षिण कोरिया के तीसरे सबसे बड़े मोबाइल कैरियर LG यू प्लस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे कि अब सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी के मुताबिक उसने अपने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ एडवांस्ड सेलुलर मॉड्यूलर तकनीक विकसित की है जिसमें सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूलर यानी कि सिम कार्ड की जरूरत नहीं होगी। देखते हैं ये तकनीक कब तक देखने को मिलती है मार्केट में। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे, दिल्ली हाईकोर्ट ने DMRC को आदेश दिया कि कोरोना को लेकर यात्रियों को विज्ञापन के जरिए सावधान करें। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि DMRC को कहा कि लोगों को एडवर्टाइजमेंट के जरिए मेट्रो में सावधान करेंगे किस तरह से आपको क्या चीजें फॉलो करनी है क्या नहीं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी वगैरह वगैरह, लोगों को अवेयर करें, ये कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का। चलिए साथ ही खबर है कि कंपनियों को सरकार की ओर से बड़ी रियायत दी गई है। इस मीटिंग की छूट को 3 महीने बढ़ा दिया। जहां सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए कंपनियों की सालाना बैठक AGM बुलाने की मियाद में रियायत दी है। कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अधीन सभी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया। आदेश में कहा कि 31 मार्च 2020 को खत्म कारोबारी साल के लिए कंपनियां दिसंबर 2020 तक सालाना बैठक बुला सकती हैं और बाकी कुल मिलाकर के बैठक बुलाने की टाइमिंग को 3 महीने और बढ़ा दिया, तो ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम। अब घर बैठे ही कोई भी ग्राहक उपभोक्ता जो है ना वो शिकायत कर पाएंगे। जी हाँ, ई फाइलिंग की शुरुआत करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे विश्वास है कि ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली से दिल्ली के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। लोग अब अपने घरों से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दरअसल दोस्तों दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ई फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया है और अगर आपको किसी भी तरह की प्रोडक्ट के बारे में किसी भी कंपनी के बारे में कोई शिकायत करनी है, अगर आप उपभोक्ता है तो बिल्कुल आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही खबर है कि देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। महाराष्ट्र, लद्दाख और अंडमान में भी धरती कांपी है। कल दोस्तों देश के इन 3-4 राज्यों में भूकंप के झटके आए। यहाँ तक कि तो लद्दाख के कारगिल में तड़के 5:45 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 4.4 थी। हालांकि गनीमत है कि कोई जानमाल के नुकसान का खबर नहीं है। और आइए अब नजर डालते हैं आज के वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार को लेकर। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से चेतावनी है, एक बार फिर से झमाझम बारिश के लिए तैयार हो जाइए। कई राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। संपूर्ण भारत के 9 सितंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिण छत्तीसगढ़, उत्तरी उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी बारिश देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में, उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए अब नजर डालते हैं सोने चांदी के रेट को लेकर क्या खबर है। तो दरअसल सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। सराफा बाजार में सोने के रेट में 10 ग्राम में 122 रुपए की बढ़ोतरी हुई जबकि चांदी में 340 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना। अभी सोने का रेट चल रहा है 51,989 रुपए प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी का रेट चल रहा है 69,665 रुपए प्रति किलोग्राम। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर आज के क्या अपडेट चल रहे हैं। दुनिया भर के आंकड़ों की अगर बात करें तो इस वायरस के चलते दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 8.96 लाख, तकरीबन सीधी 9 लाख के समथिंग चली गई, यानी कि 8,96,000 से भी ज्यादा हो चुकी है ना। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 2,74,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। ये तो ग्लोबली वर्ल्ड लेवल का आंकड़ा है। भारत का क्या आंकड़ा चल रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कोरोना के कुछ और अपडेट मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। एक तो उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन नहीं होगा, सिर्फ इन दिनों ही बाजार बंद रहेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में अब संडे के लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया, जो साप्ताहिक लॉकडाउन था उसको भी खत्म कर दिया। अब बाजार अपनी साप्ताहिक बंदी में ही बंद रहेंगे, ठीक है ना। यूपी में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बात की जानकारी दी कि 5 राज्यों में कोरोना से 70% मौतें हुई हैं। भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर टोटल भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या का 70% आंकड़ा सिर्फ इन 5 राज्यों से है। और एक खबर देखिए सर की, क्या करेंसी नोट से भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता है। केट ने यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्यापारियों ने केंद्र सरकार से इसका जवाब भी मांगा। हालांकि दोस्तों इन नोटों करेंसी से रुपए पैसों से वायरस बैक्टीरिया फैलने की कई बार रिसर्च पहले भी देखी गई। साल 2015 में 2016 में इस तरह की रिसर्च आई और उनसे पता चला कि नोटों और सिक्कों के जरिए भी वायरस, फंगस और बैक्टीरिया फैलता है। लेकिन पर्टिकुलर इस कोरोना वायरस पर केंद्र सरकार से केट ने जवाब मांगा। अब देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है, इस पर अपडेट में आपको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो एक तो देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 32 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी कि रिकवरी रेट अभी भारत में 70% चल रहा है। 100 में से 77 लोग जो है ना वो कोरोना से ठीक हो रहे हैं। आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 89,000 से भी ज्यादा संक्रमित मामले देखे गए। आज फिर भयंकर बढ़ोतरी हुई, तकरीबन 90,000 समथिंग मामले बढ़े और इसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 43,67,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 8,96,000 सक्रिय है यानी कि जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 33,96,000 से भी ज्यादा लोग भारत में इस वायरस
वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 73,923 तक पहुंच चुका है। तो ये रही कुछ कोरोना के अपडेट्स, और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ और खबरों में। अपडेट देख पा रहे, पंजाब सरकार ने रिटायर होने वाले डॉक्टर्स को 3 महीने का और एक्सटेंशन पीरियड दिया है। 60 साल से कम उम्र के जो रिटायर होने वाले डॉक्टर हैं वो अब 3 महीने एक्स्ट्रा ड्यूटी कर पाएंगे ना। और एक खबर है कि 18 सितंबर को उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलने वाली है करीब 4300 करोड़ रुपए की सौगात। 11 हाईवे प्रोजेक्ट का इस दिन शिलान्यास किया जाएगा 18 सितंबर को, है ना, यूपी में। तो वाकई में दोस्तों अच्छी बात है और प्लानिंग भी है, भारत में डेवलपमेंट चल रहा है। नितिन गडकरी 18 सितंबर को इन परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। चलिए साथ ही खबर है कि भारत के पास 2022 तक 220 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता होगी, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी हां, कल ही पीएम मोदी जी ने एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड परियोजना का भी उल्लेख किया। इसका मकसद विभिन्न देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति को बड़ी व्यवस्था से सुनियोजित करना है। प्रधानमंत्री के मुताबिक इस परियोजना से पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो ये कुछ अपडेट्स चल रहे, जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में भी। और एक खबर है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हमारी इंडियन रेलवे बना रहा है, कुतुब मीनार से भी दुगना ऊंचा होगा। आखिर कहां पर बनाया जा रहा है? तो दरअसल रेलवे पूर्वोत्तर भारत में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना रहा है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 141 मीटर होगी। वर्तमान में सबसे ऊंचा पुल 139 मीटर यूरोप में, उससे भी ऊंचा होगा भारत में, ये कुतुब मीनार से भी डबल ऊंचा होगा। और इस उपलक्ष्य में इंडियन रेलवे ने ट्वीट कितना अच्छा किया, देखिए जरा। द वर्ड इम्पॉसिबल इज नॉट इन इंडियन रेलवेज डिक्शनरी, यानी कि असंभव शब्द रेलवे की डिक्शनरी में नहीं है। अच्छी बात है, हमारे भारत के लिए गौरवशाली बात होगी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा तो। और एक खबर देखिए, 11 सितंबर को जारी होगी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, पता चलेगा कि आखिर कौन सा राज्य कितना स्टार्टअप फ्रेंडली है 11 सितंबर को, है ना। देखते हैं आपका राज्य किस नंबर पर आता, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। फिलहाल खबर है कि हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है, इंडिगो समेत सभी एयरलाइंस कंपनियों ने खाने का नियम यहां पर बदल दिया। कुछ मेन्यू वगैरह में भी बदलाव किए गए क्योंकि कोरोना के चलते। अब आप देख सकते हैं इंडिगो एयरलाइन में आपको मेन्यू में खाने का क्या मिलेगा। एयर इंडिया में, स्पाइस जेट में, विस्तारा एयरलाइंस में, सभी में खाने का मेन्यू आप यहां पर देख सकते हैं। और एक खबर देखिए, दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। 10 सितंबर से कुछ और लाइनों पर भी मेट्रो चलने जा रही है। किन किन लाइनों पर? यहां पर 3 और रूट आप देख पाओगे, यहां पर भी 10 तारीख से मेट्रो फिर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए साथ ही खबर है कि बच्चों पर गलत असर डालने वाले विज्ञापन बंद किए जाएंगे, 1 अक्टूबर से नए नियम लागू करने की तैयारी चल रही है। दरअसल जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट है ना, मार्केट में, टीवी इंडस्ट्री में, ऑनलाइन, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई जगहों पर आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सर देखे होंगे जो कि खासकर बच्चों को टारगेट करते हैं, उन पर अब सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिकंजा कसने जा रही है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने बच्चों को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर दी है और अब कोई भी कंपनियां इस तरह के एडवर्टाइजमेंट नहीं दे पाएगी जो खास करके चिल्ड्रंस को भ्रमित कर दी है ना। तो अच्छी बात है। चलिए साथ ही खबर है कि केंद्र सरकार राज्यों को करेगी जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि का भुगतान, तत्काल जारी किए जाएंगे 97,000 करोड़ रुपए। तो जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच ये भी तालमेल चल रहा है, जानकारी आप देख सकते हैं। और एक खबर है, एक रिपोर्ट में पता चला दोस्तों कि 2022 तक कोरोना काल के पूर्व स्तर पर भी नहीं पहुंचेगी वैश्विक अर्थव्यवस्था, यानी कि इस कोरोना के चलते जो इकोनॉमी को झटका लगाना वो रिकवर वापस 2022 तक भी नहीं हो पाएगा, ये हाल ही में एक रिपोर्ट में पता चला। चलिए और एक अपडेट है, इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, इस दिन होगा एप्पल इवेंट। आईफोन 12 समेत इन शानदार डिवाइसेज की लॉन्च होने की प्लानिंग भी है। दरअसल एप्पल का आगामी इवेंट जाना वो 15 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे होगा, भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे स्टीव जॉब्स के थिएटर में होगा ये एप्पल का आने वाला इवेंट कैलिफोर्निया में, है ना। चलिए और एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चारधाम हाईवे अब 12 के बजाय मात्र 5.5 मीटर चौड़ा ही होगा। दरअसल चारधाम सड़क मार्ग परियोजना, यहाँ पर जो हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हर मौसम के अनुकूल सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। पीठ ने मेहता से आपको अपने 2018 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच ये प्लानिंग चल रही है। और एक खबर है कि रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 8 लाख मानव दिवस श्रम अवसरों का भी सृजन किया, जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किसानों के लिए लॉन्च किया है सफल एक नई लोन स्कीम है, SAFL। तो खास करके किसान भाई लोगों को इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत लोन मिल पाएगा उनकी खेती बाड़ी को अच्छा करने के लिए। इसके अलावा खबर दोस्तों की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अक्टूबर में लगेगी हुनर हाट, इस बार स्वदेशी खिलौना कारीगरों को भी ज्यादा मौका मिलेगा। कोरोना संकट के कारण 6 महीने बंद रहने के बाद अब हुनर हाट फिर से शुरू होने जा रहा है। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय 9 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुनर हाट का आयोजन करेगा और इस बार इसकी थीम लोकल से ग्लोबल रखी गई है। तो अच्छी बात है, भारत के लिए गौरव की बात है। अच्छा अगला अपडेट है दोस्तों कि 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, SOP भी इसको लेकर जारी हो चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। और ऐसे में स्कूल खुलेंगे लेकिन 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 ध्यान से समझिए, 9वीं से 12वीं तक के छात्र पेरेंट्स की मंजूरी से स्कूल आ जा सकेंगे। जिम खुलेंगे पर स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर बैन रहेगा। इसके कुछ पॉइंट्स और हाईलाइट भी आप देख सकते हैं। 9वीं से 12वीं के बच्चों को गाइडेंस के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट पर बुलाया जाएगा, यानी कि स्कूल जाना जरूरी कंपलसरी नहीं होगा, ठीक है ना। टीचर्स और स्टूडेंट्स बंद क्लास रूम की बजाय बाहर खुले में बातचीत कर पाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर कुछ गाइडलाइन भी जारी किए स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। छात्र कॉपी, पेंसिल, पेन, वाटर बॉटल जैसी चीजें शेयर नहीं कर पाएंगे। जिम का इस्तेमाल गाइडलाइन के लिहाज से कर सकते हैं। स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह नहीं होगी। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट, टुडे फिनिश होता है।